बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, इन दिनों टैक्स मोबाइल के ऊपर लगने वाली हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। हमारे दोस्त पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ ज़राए से इस खाकसार से राबता करके कन्फर्मेशन ले रहे हैं कि क्या पोजिशन है। उसूली तौर पर तो ये जो खाकसार है, इसकी पावर वज़ीर ख़जाना वाली है नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो इस्लामाबाद के खसूसी ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि ये 18% सेल्स टैक्स नहीं लग रहा। और अब जो है इनमें जो $200 से नीचे है उन पर फिक्स टैक्स कर दिया जाएगा। जो भी थोड़ा सा, मेरा मतलब जो ज़राए कह रहे हैं हमारे, वो कह रहे हैं तकरीबन 5% के करीब जो है उसको लगा दिया जाएगा, ये फिक्स होगा। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, जो यहाँ पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन, उन पर 200 रुपये अगर, तो बाहर वाले पे 400 रुपये, यानि कंप्लीट मोबाइल जो इंपोर्ट किया जाएगा वो उस पर डबल ड्यूटी ली जाएगी। इसमें अब RD और दीगर टैक्स का खात्मा किया जा रहा है मोबाइल फील्ड से। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेक्टेड कर रहे थे, तवक्कात वाबस्ता कर रहे थे रेट के ऊपर जाने की, बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर अगर कोई, आप ये समझ लें कि इसमें RD का भी खात्मा होने की तरफ जा रहा है। जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं उसके तहत ये जो, यानी 18% जो इत्तलात थी $200 यानी $500 से कम, और 501 से 25% थी। तो अब आपको मैं इत्तला दे रहा हूँ कि $200 तक पर बहुत थोड़ा सा टैक्स मामूली सा लगाया जा रहा है, जो ना होने के बराबर है। क्योंकि वो ये कहना है, जो हुकूमती ज़राए हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी यही कह रही है कि ये तो गरीबों का फ़ोन है। आजकल फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो गया है। कम्युनिकेशन है, स्टूडेंट्स हैं, दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर बहुत मामूली सा लगने की तरफ जा रहा है। लेकिन जो $500 हैं इससे अबव वाले, उन पर टैक्स लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मुकाबलतन जो 25% की इत्तला थी वो भी जो कहा जा रहा था, आपको प्रपोज़ल जो दिया गया था उसको भी तब्दील किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत सारे मामलात आज किसी वक्त तय कर लिए जाएंगे, कल आपको जो भी कुछ होगा वो नज़र आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाइब्रिड कार फिर से और मोबाइल फील्ड से, इन दोनों के लिए कायमा कमेटी वजारत ख़ज़ाना सेनेट की जी थी, उन्होंने इसकी $200 तक पर और हाइब्रिड कार्स पर जो छूट है उसको कहा था कि ये जारी रहना चाहिए। उस पर हाइब्रिड जो कार्स आए हैं उनके ऊपर छूट जारी रहने चाहिए टैक्स में, और मोबाइल फील्ड में $200 तक पे ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। अब देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर्स पर जो पहले ड्यूटियां RD लग रही थी, सॉरी पार्ट्स की ड्यूटी थी, उस पर वो, उस पर भी कमी की जा रही है, बिल्कुल नहीं ख़त्म किया जा रहा। क्योंकि एक्सपोर्ट की तरफ हुकूमत चाहती है कि एक्सपोर्ट करना, अब एक्सपोर्ट अगर महंगा माल यहाँ मिलेगा, पार्ट्स महंगे आएंगे, तो कौन एक्सपोर्ट कर सकेगा। 3% जो लिया जा रहा है उस पर भी नज़रसानी की जाने की उम्मीद है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर जो ज़राए कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़राए बज़ाहिर यही कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स अगर लगेगा, जो कि फिक्स टैक्स है, सेल्स टैक्स के मामले में वो 5% के चांस हैं, 5% लगेंगे। और
बाकी जो 18% है वो नहीं लगेगा इंशाल्लाह, ताकि हमारे जो छोटे डीलर हैं, बड़े डीलर हैं, जो छोटा कारोबार करते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी रोज़ी, उनसे कितने लोग, लाखों लोग पाकिस्तान में मोबाइल सनत से वाबस्ता हैं, डीलर्स, स्टाफ, कंपनी के मुलाजमीन, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर, सब एक चैन से चल रहे हैं। वो मोबाइल सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना चाहते हैं अपनी रोज़ी की जायज़ हक लेते हुए। तो देखें, ख़बरें आपको ये खाकसार देता रहता है, और इंशाल्लाह आइंदा भी ज़िंदगी बखैर आपकी हमारी देता रहूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, जाने से पहले फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानल्लाह।